छतरपुर जिले के बहुचर्चित कोतवाली पत्थरकांड के मामले में अभी भी सियासत लगातार गर्म है। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ है। एक ओर पुलिस विभाग के द्वारा अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इसे तूल देने में लगे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल छतरपुर पहुंचकर पत्थरकांड के आरोपियों के परिजनों से मिला। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के सामने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न करने की मांग रखी। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह जबलपुर विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, भोपाल मध्य प्रदेश के विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और चुनाव आयोग सेल के इंचार्ज जेपी घनोपिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शेख अलीम छतरपुर पहुंचे। उक्त प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले छतरपुर के नया मोहल्ला पहुंचा, जहां आरोपी हाजी शहजाद अली की जमींदोज हवेली का अवलोकन किया गया। इसके बाद उक्त घटना के आरोपियों के परिजनों से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। नया मोहल्ले से ये प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां कलेक्टर पार्थ जायसवाल से घटना और कार्रवाई के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के सामने ये भी मांग रखी है कि पुलिस द्वारा घटना के आरोपियों के साथ पिता का नाम भी उजागर करें, ताकि उसी नाम के अन्य व्यक्ति भयभीत ना हों और अपने काम कर सकें। एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल ने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर मीडिया से भी सहयोग मांगा और कहा कि इस कार्रवाई में न्यायपूर्ण जांच के लिए मीडिया भी सहयोग करे। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के साथ छतरपुर की महाराजपुर सीट के पूर्व विधायक नीरज दीक्षित, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लखन लाल पटेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अनीस खान के अलावा सेवादल और NSUI के पदाधिकारी मौजूद रहे। और ऐसा दृश्य देखते हुए ठीक भी, कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि छतरपुर आएंगे और इस तरह परेशान लोगों के बीच जाना होगा, लेकिन जाहिर है परेशान थे और उनका हाल पूछने भी जाना चाहिए था। उनके साथ जो बच्ची के साथ हुआ, बच्ची रो रही है, उसके पिता जेल में है, उसका मकान टूट गया और वो कहती है कि बेकसूर हैं। तो ऐसे लोग और भी हैं, और भी बहुत सारे परिवार मिले जिन्होंने बताया कि उनके साथ गलत हो रहा है। हम लोगों ने सबने मिलकर उनका सुनकर जिला प्रशासन को बताया कि ये गलत हो रहा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो गलत हो रही हैं, आप वीडियोग्राफी से चेक करिए। वो वीडियोग्राफी के बाद अगर कोई कल्पेट है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा ये भय का माहौल ख़त्म होना चाहिए। और छतरपुर की जनता से भी अनुरोध करूंगा और हम सभी लोग करेंगे कि हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द छतरपुर शांत हो। देखिए आप लोग एक घटना पर लगे, हम कह रहे हैं जो घटना हो गई उस पर तो अब न्यायालय में तय होगा ना, मुकदमा दर्ज हो गया, जिन्होंने दर्ज घटना करी है FIR उनके नाम दर्ज हो गई, अब न्यायालय तय करेगा। हम लोग कैसे तय कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन उस गलती की बुनियाद को बनाकर बाकी लोगों को तो परेशान नहीं करना चाहिए। हमने उनसे भी यही अनुरोध करा, जो आपसे कहा वही उनसे कहा कि हम चाहते हैं छतरपुर शांत हो जल्द से जल्द और इंसाफ मिले, संविधान से जिला चलना चाहिए, संविधान से चले। जिस तरह का माहौल कर रहे हैं, क्या लोग, हम गए तो लोग डर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे, इसलिए नहीं निकल रहे। आप जाइए ना मोहल्लों में, जहां हम हो क्या है आप जाइए, देखिए मोहल्ले के अंदर क्या माहौल है। वो लोग डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन प्रशासन ने तो ये कहा है ना कि आप लोग आइए, जो निर्दोष है उनको थोड़ी पकड़ रही है पुलिस। लेकिन डर का माहौल है ना, पुलिस वाले लिस्ट लेकर खड़े हैं कि आपका भी नाम है आपका भी नाम है, तो पुलिस को चाहिए ना कि जल्दी वो, पुलिस ने जिस तरह FIR में नाम दर्ज करें कि ये लोग FIR में नाम दर्ज है, उसी तरह जो अन्य है उनके भी पुलिस लिस्ट जारी कर देना, तो सब मामला ठीक हो जाएगा। जैसे कि जो लिस्ट में नाम है उसमें पिता के नाम नहीं है, उससे भी कई नाम मैच करते होंगे तो वो लोग दे सकते हैं। यही वजह बताई ना, मैं बेसिक वही तो बात कर रहा हूँ, प्रशासन का फर्ज है कि अन्य नामों पे भी आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट जारी कर दे, तो उसके बाद न्यायालय से वो लोग अपना न्याय पाएंगे। प्रशासन में जो पथराव हुआ है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसको किस नजर से? पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके साथ भी हमने दुख व्यक्त करा था कि ये घटना अच्छी नहीं है, और मैंने आपसे पूर्व प्रशासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता रही आए, साथ में शहर में अमन और शांति का माहौल बने, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे,
त्योहार हर वर्ग के हैं। जरा से मामले में सांप्रदायिक फिजा नहीं बिगड़ना चाहिए, ये हर प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य होता है और हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और देश के हर सच्चे नागरिक का कर्तव्य होता है। जिस प्रकार से कानून की अवहेलना हुई है, जिस प्रकार से संविधान को तार तार किया जाता, हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस मामले में कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि कोई घटना होती है तो जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस प्रकार की कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो, सबके अपने अपने दायरे हैं। न्यायपालिका दंड तय करती है, कार्यपालिका दंड तय नहीं कर सकती। यदि कोई मकान को तोड़ा जाता है तो मकान का अपराध क्या है? क्या मकान ने अपराध किया? यदि किसी घर में चार भाई रहते हैं, एक भाई अपराधी है, तो क्या वो तीनों को भी तो सजा दी जाए? कानून विधि सम्मत कार्रवाई हो तो हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण हो तो फिर वो आलोचना के पात्र बनती है, और हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है न्यायपालिका का काम है न्याय करना, पैरवी करना कार्यपालिका का काम है, लेकिन बगैर दोष सिद्ध हुए कुछ भी तोड़ देना, गाड़ियों को ऐसे तोड़ना जैसे गाड़ी ने जुर्म किया, संपत्ति कर आप क्यों लेते रहे मकान से, आप बिजली का बिल क्यों देते रहे, टाउन कंट्री प्लानिंग सो रही थी क्या, नगर पालिका सो रही थी इतने दिन तक, क्या अवैध और वैध क्या होता है? ये तो देखा ही रहा, पूरी सरकार में देख रहा, देश में देख रहा, इसीलिए हमारे नेता नफरत की राजनीति खत्म हो इसके लिए जन जागरण के लिए निकले, पूरा देश देख रहा है, दुर्भावना और क्या होगी? खुल के तो बता रहे, आप खुल के क्या सुनना चाहते? क्या इस मामले को कांग्रेस और भाजपा किया जा रहा? ये किया जा रहा नहीं किया जा रहा, ये साफ है कि दुर्भावना एक ही वर्ग के साथ क्यों क्यों, जो तो अपराधी है उसके साथ करें, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब ये मकान बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी उस समय कांग्रेस कहां थी? फर्स्ट दिन प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आया, फर्स्ट दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट आया, फर्स्ट दिन दिग्विजय सिंह जी ने बात की आपके एसपी से, आपके कलेक्टर से, और फर्स्ट दिन जीतू पटवारी ने बात की, उमंग सिंगार ने बात की है, सबका ट्वीट आया। उस समय हमारा ये भी अनुरोध है कि जो देश का मीडिया है वो कम से कम आपराधिक गतिविधियों पे फोकस करें। मऊ की घटना हो गई, एक सैन्य कर्मचारी की अधिकारी की पत्नी के साथ दुराचार, और जैन में सरेआम घटना हो रही, लेकिन अब तो हमारे देश का मीडिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच दल भेजा है, किसने विरोध किया किसने नहीं किया, किस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही सबको मालूम है। अधिकारी की मजबूरी है कि उसको रहना है तो आदेश सुनना पड़ेगा। बुलडोजर की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हम लोकशाही में राष्ट्रशाही में नहीं। पत्थर की संस्कृति क्या है? पत्थर फेंकना क्या? क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबका है, संभालने का अधिकार प्रशासन को है, प्रशासन से किस तरीके से हैंडल होना चाहिए ये प्रशासनिक अधिकारियों पर तय होता है। जिस प्रकार से पुलिस वाले और पीआई घायल हुए हैं, क्या उनके साथ भी आप हैं? हर उस आदमी के साथ है जिसके साथ घटना घटित हुई है। इनकी LIB इनकी IB क्या करती है? ये प्रशासन का फेलुअर नहीं है कि यदि कोई कहीं पे कोई आक्रोश है तो उसको कैसे डाइल्यूट किया जाए? ये प्रशासन की गलती नहीं है, प्रशासन का काम नहीं है ये। अब आप लोग क्या करेंगे? हमने जो देखा है, हमने जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात की वो साफ शब्दों में बात की है, और अभी भी कह रहे हैं हमको बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं उनको निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, किसी की जी हजूरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, देश का माहौल, प्रदेश का माहौल, सरकार का क्या है सब जानते हैं। किसकी जी हजूरी?
सबको मालूम है कि प्रशासन किसकी जी हजूरी कर रहा है किसकी नहीं, और एक वर्ग के साथ, हर वर्ग के साथ ये हो रहा है, हर वर्ग के साथ। ऐसा नहीं है दलित के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ क्या हो रहा है, ओबीसी के साथ क्या हो रहा है, सारी चीजें सामने हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है लोकतंत्र में।